इन दोनों के अलावा भी आज बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स में अप मूव आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स सुमित आज रिजल्ट्स के रिएक्शन के तरीके से देखने मिल रहे हैं। यस्टरडे भी रिजल्ट्स पोस्ट मार्केट आज वहाँ रिएक्शन और करंट मार्केट में भी बहुत सारे नतीजे। शुरू करते हैं हम लोग पीएफसी के साथ, जहाँ मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऑब्वियसली आरईसी से भी कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एसेट क्वालिटी में भी अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र पड़ी है 10-10 बेसिस पॉइंट्स की। एबिटा मार्जिन जो है 38% से बढ़ के लगभग 60% के आसपास ओवरऑल रियल इस्टेट के भी आए हैं। और ओवरऑल रियल इस्टेट की बात करें तो शुरुआती 15 मिनट में टॉप एफएनओ गेनर भी था, अभी भी लगभग 5% की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स, इसका कॉन्फ्रेंस कॉल 3:30 बजे होगा, लेकिन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कहा है कि इंडिया बिजनेस में सुधार देखने को मिल रहा है, 3% प्राइस हाइक ली है इन्होंने इंडिया ऑपरेशंस को लेके। और जहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, उनको लगता है कि अगला साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वहाँ देखने को मिल सकता है। और थोड़ी सबड्यूड कंडीशंस के बावजूद कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है और इस न्यूज़ के बाद शेयर में आप थोड़ी बहुत हलचल देख रहे थे। ऑब्वियसली ऑफ डेज हाई है, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ आपको प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। और आखिर में कोलगेट, FY25 में प्राइसिंग ग्रोथ कमज़ोर रह सकती है ऐसा कोलगेट का मानना है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ भी आपको Q4 में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है अनुमान के मुताबिक। और शेयर में अभी 4% की आप डाउनटेक देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं FY25 को लेकर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग स्ट्रीट को लगती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कोलगेट के केस में जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी वीक थी, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दो नाम शिल्पा, एक सीमेंस और एक कोलगेट। सीमेंस के केस में एग्जॉर्बिटेंट स्टॉक में अपमूव आया है, डिस्पाइट पहले 6% चला, फिर नंबर्स में उम्मीद थी कि ये अच्छे आएंगे और अच्छे आए भी, और उसके बाद भी 6% 5% ऊपर है, 7% ऊपर है। सो सीमेंस एंड कोलगेट, इनको कैसे रीड करें? जी, सीमेंस की बात करेंगे तो सीमेंस 7200 का इसका अभी एक अपसाइड इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो आप टुवर्ड 7450 से 7500 के लिए भी इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अभी जस्ट 7000 के नीचे 6980 पे रखिए। ये टुवर्ड 7500 डेफिनेटली एक बार अपट्रेंड ले रहा है। और वहीं पे कोलगेट की बात करेंगे, कोलगेट में भी 3000 के लेवल मिलेंगे, लेकिन डिक्लाइन अभी आपको मिल रहा है और ये सपोर्ट है इसका 2050 वेरी स्ट्रॉन्ग। जब तक वो होल्ड कर रहा है मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग होंगे अपसाइड के लिए और स्वीट लॉस जी। तो कोलगेट और सीमेंस दोनों पर राय सुनी आपने शिल्पा की। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें भी हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, कुछ स्टॉक्स भी हैं उस पर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक की उस तरफ।